अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग इतने जोश में है, ये क्यों जोश में है? तो आज हम लोग करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे वेटिंग करने वाले लोग, वो लोग सबके लिए ये व्लॉग है। तो ये जब से हम लोग की शादी हुई, जब से हम लोग यूट्यूब पे आए, तब से हम लोग को ये बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे कि अपनी लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। तो यस, फाइनली हम लोग रिवील कर रहे हैं हमारी लव स्टोरी। सो हम लोग इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है बताने के लिए, क्योंकि ये हम लोग के आसपास वालों को ही पता था लव स्टोरी, किसी को पता नहीं है। मतलब फैमिलीज को भी नहीं पता है, ना ऑडियो हम तुम्हारे लोग को पता है, ना ज़्यादातर लोगों को पता है। इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि आज सबको पता चल जाएगा हमारी लव स्टोरी के बारे में। सो बहुत कॉमेंट आते थे, इसके लिए हम लोग सोचे चलो रमज़ान से पहले ये चीज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी लव स्टोरी बना रहे हैं और हमारी बहुत सारे लोग को क्या नहीं मालूम था, बोली ना नहीं पता है, तो मैं ही बता रहा हूँ, नहीं पता है। चलो हम मिलते हैं, हम लोग फुल तैयारी करके बैठे हैं। तो मैं स्टार्ट कैसा करूँगी पता है आप लोग को? पहले हम लोग एक दूसरे का पहले दानिश स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? नहीं, नहीं तो मैं ये सब चीजें तुम्हारे क्वेश्चन भी करूंगी, देखते हो तुमको याद है कि नहीं। याद रहेगा सब चीज, मैं सब चीज मोबाइल के अंदर नोट्स के अंदर लिखता हूं। जाओ छुट्टे। तो मैंने सब मेरी फोटोज पुरानी पुरानी सब मेरे मोबाइल में है, इनके मोबाइल में एडिट मैंने करके इनको दिया हूँ, कुछ एडिट है ही नहीं। खाओ कसम, एडिट है ही नहीं। हाँ कसम से एडिट है ही नहीं, सिर्फ फोटोज पड़ी है। कौन दिया? पकड़ा गई, चोरी पकड़ा गई। तो उसमें मैं सिर्फ है ना फोटोज निकाल के रखी, तो उन्होंने यूट्यूब पे बैठ के वो टीवी का सर्च करे की आईफोन कैसे कनेक्ट करते। वही बताया मैंने, तो मैं टीवी पे लगा के पूरा दिखाऊंगी तुम लोग को, एक एक फोटो उसके बारे में डिटेल भी दूंगी। तो मिलते, चलो देखते अभी कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली मुलाकात नहीं, सॉरी, तो हमारे सबसे पहले हम लोग कहाँ मिले थे, क्या कहाँ बात हुई थी, किसके थ्रू हुई थी, कैसे हुई थी, तो ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात हमारी हुई थी 5 जुलाई को, 4 जुलाई को फातिमा का बर्थडे था, पूरा बता रही हूँ मैं, 4 जुलाई को फातिमा का बर्थडे था। और 4 जुलाई के बर्थडे के बाद मैं घर पर आई, घर पर आकर ना मैं वो स्टोरी, अभी पहले ये स्टोरी बताती हूँ कि मैंने इनको मैसेज की थी, बता रही हूँ 4 जुलाई की रात को दानिश को मैंने मैसेज की थी। वो मैसेज कैसा की थी, सो दानिश का एक दोस्त जो है आदम, सो आदम मेरा गली का दोस्त है, मतलब गली में हम लोग रहते हैं साथ में, तो उसके थ्रू दानिश बेस्ट फ्रेंड उसके है जैसे के। तो आदम ने, मैं ना वो टाइम पे नवी इंस्टाग्राम आई थी, रमजान थी, रमजान के बाद ईद हुई, ईद के बाद जुलाई ना ईद जून में थी 2018। तो मुझे आदम का मैसेज आया था, बोले बहन तेरे को दानिश है ना ऐसा लड़का है, बोले मतलब नॉर्मल लड़का, ऐसे बोला था कि दानिश लाम का लड़का है, मतलब मेरा दोस्त है, तो वो तेरे को लाइक करता है, तो एक काम कर, बोले इतने चैप्टर ना इनके दोस्त ये सब मिले हुए थे, लोग सब मिले हुए थे। मैं वो टाइम पे एकदम बोले ना भोली सी लड़की, बातों में लोग की फंस गई थी, क्योंकि वो एक लड़का गली का था, तो मुझे ऐसा था कि गली का था, गरीब का था, एक गली का, ऐसा मत बोले भाई को। तो आदम का, तो आदम ने बोला कि देख एक काम कर, बोले तेको अगर मेरे पे भरोसा नहीं होता ना तो बोले चेक कर ले तू। तो मैंने बोली कि चल ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि पहले ना इसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज, तो मैंने कहा यार ये फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, तो ये फोटो से ना इनका एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने आदम को स्क्रीनशॉट उनके भाई एक्सेप्ट कर लिया इसने, फिर बोला अभी लाइक कर फोटो पे, तेरी फोटो पे भी लाइक करेगा वो। तो मैंने उसको फोटो पे लाइक करे, तो इनका ही फोटो पे लाइक आया। फिर इसके बाद बोलता कि अभी ना हाई लिख के भेज दे, तेको फौरन जवाब भी दे देगा। ये लोग दोनों शायद आपस में बाजू में बैठे थे, या फोन पे बातें कर रहे थे, या तो एक दूसरे की आईडी पास हुई थी, सब कुछ पता नहीं मुझे। तो वो टाइम पे भी मैंने इनको हाई भेजी, तो ये चालू हो गए, हाई कैसे हो, मैं तुमको यहाँ देखा था, मैं तुमको वहां देखा था, मैं डायमंड जुबली के पास तुम्हारा खड़ा रहता था, तुम अब्बा के साथ आते थे, अब्बा के साथ आते थे, चलो झूठे देखे कैसे लोग थे। तो वो टाइम पे ऐसी बातें करते थे कि ना तुम्हारे अब्बा को मैं रोज दिखता था, तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की हो, मैं अब्बा को दिखता था, तुम्हारे अब्बा को बहुत अच्छे लगते थे, बोलते मैं पहचानता नहीं था, कितने खराब होना ये। और है ना दूसरी बात, तो ये दानिश सुफियान का फ्रेंड था, इनको मालूम नहीं है मैं सुफियान की बहन हूँ, सुफियान गली में रहता है ये भी नहीं पता था, ये मेरे एरिया में आदम की वजह से आते थे, बाकी ये यहाँ पर डोंगरी पे रहते थे, वहां नहीं रहते थे।
तो ये सब हो गया, फिर हम लोग दोनों की नॉर्मल बात बात होने लगे। इनने फिर आई लव यू ये सब बोले, तो मैंने बोली कि नहीं रुको, मेरे को अभी टाइम चाहिए, मेरे को ये सब जल्दी भरोसा नहीं होता मेरे को ये सब चीज़ों पे, अननोन लड़के से। हाँ, अननोन लड़के से। तो मैंने बोली थी रुक जाओ अभी नहीं, थोड़ा एक दो दिन बात करते हैं अपन, अगर सही लगा जमा। और एक दो दिन कितने दिन हो गए? एक दो दिन कह के ना 10 दिन हो गए। तो यार फिर ना एक हफ्ते में ना इनने बोले कि ना मैं तुम्हारे को मेरी मम्मी से मिलाता हूँ, तो इनने मेरे को इनकी मम्मी से मिलाने लेके गए। तो इनने ऐसा बोला था कि मेरी फ्रेंड है करके, तो मिलने आया, मैं मम्मी से मिलने आई थी ना, तभी मैंने जीन्स पहनी थी क्योंकि मैं महक के घर पर थी, मैं महक के घर पर आई थी, और महक के घर पे से फिर मैं इनके घर पे गई थी क्योंकि बाजू बाजू में लोग का घर था, मतलब एक गली छोड़ के दूसरी गली में था। तो मैं महक के घर पे गई, तो वहाँ से मैं इनका फोन आया, बोले मम्मी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, बोले आ जाओ तुम। तो मैं बस टॉप वॉप और जीन्स वींस पहन के लिपस्टिक लगा के, रेड लिपस्टिक मेरी वो टाइम पे, बाल खुले नहीं ऐसी जैसा मैं बांधती हूँ ना वैसी ही बांध के आई थी। तो मम्मी के मम्मी एकदम ऊपर से नीचे दिए गए, बोले ये कौन सी तेरी फ्रेंड है, ऐसी मॉडल है। तो अभी तक मम्मी मेरे को वही चेढ़ते, बोले पहली बार आई थी ना जीन्स पहन के आई थी, बोले तभी मेरे को सही नहीं लग रही थी तू। तो हुआ फिर ना मैं इनकी मम्मी से मिली, तब मेरे को ऐसा लगा कि बंदा सही है, मतलब घर वालों से मिला लिया तो फिर बात ही अलग हो जाती है, बात अलग। ये एक महीने तक पूरा सीन चला, हम लोग बहुत कम मिलते थे महीने में एक बार मुझे मिलने, क्योंकि मैं घर से निकलती नहीं थी, जहाँ पर भी जाओ ना तो अब्बा मुझे लेने आवे, अब्बा मुझे लेने जावे, छोड़ने जावे, फ्रेंड के यहाँ पर भी अब्बा जावे, नीचे भी ऊपर तब तक मैं खड़े ही रहे, और स्कूल में भी, तो कॉलेज तक भी हाँ ये चीज हुई थी मेरे साथ। तो अभी अभी जब से दानिश से मिले थे ना, उसके बाद से छोड़ दी सब। तो उसके बाद है ना एक महीना हम लोग को एनिवर्सरी, मतलब मेरे को ऐसा था कि एक महीना एनिवर्सरी बनाओ, हाँ समझ भी क्या हुई थी मेरे को पता है। तो एक महीना एनिवर्सरी के लिए हम लोग मिलने गए, तो मैंने वहां पर मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड पे डाल दी इनकी चक्कर में, मेरे चक्कर में क्या? मतलब ऐसे ही कि मिलने गए तो फोन वोन आवे डिस्टर्ब नहीं, हम लोग पूरे ग्रुप के साथ गए थे, मैंने रेडी छोड़े उसका दिया है मेरे साथ बाइक पे बैठ गया, मैं आ गया एक महीने की एनिवर्सरी बनाने के लिए। तो उसका इसने क्या करी कि इसका फोन बनावे नहीं, मम्मी लोग को मालूम नहीं पड़े, तो लेकिन हम लोग पूरे ग्रुप के साथ गए थे, हम लोग अकेले नहीं गए थे वो टाइम पे, आदम आदम के लोग सब फ्रेंड लोग सब लोग हम लोग गए, ग्रुप था 10 वाला ग्रुप का। हाँ, तो हम लोग वो टाइम पे मिलने गए थे इसी, तो फोटो वोटो क्लिक करे सब इंजॉय करे, तो मेरे को फोन आया मेरी फ्रेंड का के बोले के ना तेरी मम्मी टावर के नीचे आ गए ले, अब तू गई काम से, मेरी जो फटी वो फटी। तो मम्मी बोले चल दरगाह पे, दरगाह पे कसम खा के, तो कोई लड़के के साथ नहीं गई थी। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है मैं कसम खाती हूँ मैं लड़के के साथ थी, लेकिन वो लड़का जान पहचान वाला क्योंकि सुफियान का दोस्त था, इसके लिए मुझे डर था ही नहीं कि मुझे पता है लड़का अच्छा है, तो मैं घर में बता देती हूँ, मेरे को करना ही इससे, तो मैं इससे ही करके बता ही दूँ ना, जबरदस्ती झूठ बोल के क्यों रखूँ मैं कि नहीं मेरे को प्यार किसी और से ये करना है वो करना, मेरे को ये सब चीजें थी नहीं। तो मैंने मम्मी को बोल दी कि हाँ लड़का ये जॉब, पहले दानिश जॉब करते थे अकाउंट्स में, तो मैं बोली हाँ ये जॉब करता है ये लड़का, मतलब सुधरेला है, घर पे चढ़ जाता है, कुछ आवारा नहीं है, ना सिगरेट की ना हुक्के की ना कोई चीज की आदत नहीं थी, कोई चीज की तंबाकू तक हाथ नहीं लगाता था, ये कुछ भी नहीं आदत थी, बहुत सीधे बोलते ना एकदम सीधे थे। तो मम्मी को भी अच्छा लगा था, मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट करने लगे मुझे। तो हमारे लव स्टोरी के बीच में बहुत से लोग ऐसे भी थे, मतलब हम लोग जब रिलेशन के अंदर एक महीने के अंदर, एक महीना आया ना हम लोग का, तो एक महीना हम लोग का मतलब जुलाई था, जुलाई अगस्त, एक महीने का दो लोग के रंग निकले, फिर 4 लोग के, फिर 8 लोग के, फिर 10 लोग के, सब जन बुरा है, एक दूसरे की बुरा है, मेरे घर वाले इसके घर वाले एक दूसरे की बुराया कर रहे, सबकी बुराया, मेरे घर वाले आते मेरे घर में ऐसा बोल दिया लड़की अच्छी नहीं है जींस पैंट पहनती है, मतलब जो भी है पहनती है पहनने दो ना, अपने घर में आएगी अब नहीं पहनेगी, और क्या बता गए। तो ये चीज क्या हुई थी पता है, हम लोग रिलेशन में जब आए थे ना, तो कोई नहीं चाहता था, मतलब हमारे फ्रेंड्स लोग की बात कर रही हूँ, तो कोई नहीं चाहता था कि मैं और दानिश साथ में रहे, मतलब हर कोई हमारी तुड़ाने की कोशिश करता ही था, मेरे को आके रुको पहले मैं वही कहता हूँ, क्योंकि ना क्योंकि मेरे पास कुछ नेगेटिव लोगों को मिला नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नेगेटिव मैं कुछ था ही नहीं, जो बैकग्राउंड था नेगेटिव कुछ है ही नहीं, और मतलब दानिश एकदम सुधरेले थे, कुछ था ही नहीं, उनका लोगों ने लोगों पॉइंट ढूंढना भी पड़ती थी, मतलब कुछ नेगेटिव मिल जाए इसके अंदर क्या इसके अंदर, तो ये इसकी कमी मेरे को आके बोल दे, मेरी कमी इसको आके बोल दे, वैसे मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बोलते ना वैसे लोग ने हम लोग की बुराई की थी। तो क्या हुआ था, तो ना दानिश को और मेरे ना हम लोग जब स्टार्टिंग रिलेशन में आए थे ना, तब ना तोड़वाने की बहुत कोशिश हुई थी, तो दानिश को कान में आके बोले नौशीन ऐसी नौशीन वैसी है, तो मेरे को आके ये बोले हुए दानिश ऐसा दानिश वैसा, मत कर ये मत कर वो मत कर, दानिश को बोले तू मत कर इससे ये ना वो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की शादी, मैं वो टाइम पे ना बहुत रोती थी, तो ना क्या हुआ था पता है वो टाइम पे, तो ना दानिश और मेरे ना हम लोग का ना किसी को पता नहीं था, और लोगों को ये चीज पता थी कि मेरी वीकनेस मेरा बाप है,
तो मेरे अब्बा के सामने मैं दानिश को छोड़ देती अगर वो टाइम तो होता कुछ, तो मैं छोड़ देती, सही बोल रही, क्योंकि मेरी वीकनेस वो है, मेरा मोबाइल जमा हो जाता, मेरे को मार पड़ती अलग से, और नाम मेरा मेरा नाम मतलब मेरे अब्बा के सामने खराब हो जाता कि लड़के के साथ ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, इसके लिए तो ऐसा था। तो ना दानिश को तुड़वाना है हम लोग दोनों का, तो दानिश ने वो टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था, दानिश ने खुद मेरी मम्मी से बात किए थे वो टाइम पे, वो टाइम पे दानिश से तो ऐसा हुआ था कि ना उन्होंने हम लोग को डराए थे कि तेरे बाप को जाके बोल देंगे कि तू ये लड़के के साथ है, ये है, फलाना है वलाना है, लेकिन वो टाइम पे मम्मी को ही मैंने बता दी थी, तो मेरा मेन पॉइंट वहां ही था कि मम्मी ने संभाल ली, लेकिन अब्बा तक बात पहुंची नहीं थी वो टाइम पे। क्या मेन हैंडल करने वाला मम्मी होते हैं, किसके भी घर में हैंडल करने वाला मम्मी ही होते हैं, मम्मी सपोर्ट में रहते तो सब चीज अच्छी हो जाती है। तो वो टाइम पे ना ऐसा हुआ, तो फिर दानिश मैं एकदम टूट गए, मैं एकदम रोने लग गई थी, मैं बोली अल्लाह अपने लोग ही अपने पीछे खंजर मार रहे, मतलब मैं इनको भरोसा नहीं था कि दोस्त लोग ने ऐसा किए, लेकिन मेरे को ऐसा था कि नहीं उसने ही किया है, अभी भी इनको ऐसा था कि नहीं 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 बोली नहीं मालूम पड़ गया था कि नहीं वो ही है, तो भी वो हो गया, तो फिर उन्होंने सबसे दोस्ती वोस्ती एकदम खत्म कर दी, तो मैं और ये अकेले अकेले ही रहते थे हम लोग, मोस्टली टाइम अकेले रहते, बाकी अभी आदम अभी से मैं एक आदम और उमैन, हम लोग की तीन दोस्ती है, तीन दोस्त और तीनों बाकी हम लोग तीन बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं ना, ये तीन बेस्ट फ्रेंड्स आदम ऐसा वो सबको मिले हुए कर रहे वैसा आदम को साथ, और आदम का तो नेचर एक नंबर है, उसका कोई बात ही नहीं ऐसा लगता है, वो एकदम मतलब बोलते ना अभी तक मेरे साथ ही खड़ा है, ऐसा छोड़ा ही नहीं हम लोग, आगे पीछे रहेगा, कभी एक दो दिन नहीं आएगा, बाकी तीसरे दिन सामने से आ जाएगा। जो लोग है ना पहले जिस जिस चीज ने हम लोग को तुड़वाने की कोशिश की है ना, आज देखने जाओ ना, आज कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है, सिर्फ हम दोनों ने शादी कर लिए और हम लोग ने टिक गए। सो मैं एक बार वो टाइम पे रोती थी अल्लाह कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं सबर करी, बहुत सबर करी, दुआएं मांगती थी अल्लाह, तो हम लोग सबर वबर करे, फिर सबर जाके अब भी फल मिला, वो लोग साथ में बहुत हार्ड था, उसमें झगड़े भी इतने बड़े बड़े झगड़े, तीन तीन चार नहीं होंगे, बात नहीं की, बहुत झगड़े, फिर बाकी एंड टाइम होगा सॉल्व हो जाता, उसी मम्मी का भी बोल दे मैसेज पे अनब्लॉक कर दो, कहीं मम्मी ने ही बोल दे, मम्मी और ये दानिश की मम्मी, दोनों मम्मियों ने हम लोग यहाँ से दानिश को संभाले, वहां से मेरे को संभाले, अब्बा कैसे माने हमारे प्यार के लिए और हमारी शादी कैसे हुई और हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे रहे, तो ये सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए। सो फिलहाल यही तक कि हम लोगों ने बताया आप लोग को कि हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और हमारे बीच बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, रुकावटें क्या क्या चीज़ की आई, और मम्मी कहाँ तक माने, ये सब चीज़ आप लोग को बता दी हूँ मैंने, और अब्बा का बात नहीं बताएंगे सेकेंड पार्ट में। सो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तो मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Bye.